और 13 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी का सपना पूरा हुआ, लेकिन इस सपने के पूरा होने पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी जमकर जश्न मनाया गया। टी20 वर्ल्ड कप की जीत का यह जश्न दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद से नहीं आई, बल्कि बाबर के मुल्क पाकिस्तान से आई है। ऐसा शायद ही पहली बार हो रहा होगा जब कप बॉयज इन ब्लू ने उठाया और जीत का जश्न हरी जर्सी वाले पाकिस्तान ने मनाया। पाकिस्तानियों का सपना तो लीग स्टेज में ही टूट गया था, लेकिन ना जाने कैसे उन्होंने भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बाबर के लिए पाकिस्तान ने जितना चीयर नहीं किया, उससे ज्यादा तो ये रोहित कोहली के फैन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में लोग भारत की जीत का जुलूस निकाल रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो भारत की जीत का जश्न अखंड भारत में मन रहा है। वहीं अमेरिका के एरिजोना में जंगल की आग ने लोगों की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ा दी हैं। सूखे की स्थिति के कारण आग पर काबू पाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इससे निपटने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर टैंकर्स को भी देखिए उतारा गया है। तस्वीरें सामने आई है, एयर टैंकर के जरिए आग को बुझाने की कोशिशें हो रही है। वहीं जगह जगह इसकी बौछार की जा रही है। कुछ कुछ हिस्सों में आग अभी उतनी भयावह नहीं है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि वक्त रहते इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आसपास के रिहायशी इलाकों में भी फैल सकती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की और आसपास के जो इलाके हैं, खासकर रिहायशी इलाके, उन पर संकट ना आए इसके लिए तैयारी पूरी। एरिजोना के ये जंगल है अमेरिका के, जहां पर ये आग धधक रही है और जंगल की आग ज़्यादा भयावह ना हो इसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। एयर टैंकर्स की मदद ली जा रही है जिसके माध्यम से आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी है।